अरे यार कौन हो भाई? अरे भैया थोड़ा पीछे कर लो। अरे गुरु पीछे कर लो यार। भैया थोड़ा पीछे कर लो। ये हट जाओ ये। कौन है? रजीश। अरे हट जाइए। अरे यार कैमरा। इलेक्ट्रॉनिक। अरे इलेक्ट्रॉनिक कौन है? कहाँ गए हो? कर कमलों के माध्यम से इस मालिका का विमोचन जिसमें ध्यान एवं बागवानी खाद प्रसाद कर फूल साफ अभी तो बोल नहीं रहे। आप खा नहीं सकते ऐसे मूलिया बड़े बड़े और साथ ही साथ मिर्ची हो या और पौधे हैं बड़ा अच्छा लगता है और एक जिंदा इस प्रकार का वातावरण लगता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की ये शोभा है और ये पेड़ यहाँ के बनाने में कितने साल लगे होंगे, इतने साल यह उद्यान जिस प्रकार से रखा गया है, कर्मचारी और जो यहाँ छोटा सा छोटा जो होता है उसका सबसे महत्व का काम होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज और कल तो सबके लिए खुला होगा, आज भी बाद में खुला है और ये भी अच्छा है कि जब विधानसभा में बड़ी बहस चलती है तो मुख्यमंत्री को भी यहाँ थोड़ा शांतिपूर्ण वातावरण मिले और अच्छा लगता है जब इस प्रकार के माहौल में घूमते हैं। मैं आपको चाहूँगा कि यहाँ के सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल, सब्जियाँ, इसके नमूने अखबार के माध्यम से जाए, मीडिया के माध्यम से जाए तो पता चले कि उत्तर प्रदेश में भी इस क्षेत्र में किस प्रकार की प्रगति हो रही है और यहाँ से जितना काम होगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के बाहर विदेशों में भी फल और फूल कुछ जाना शुरू हुआ है लेकिन और यदि बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को इस प्रकार के निर्यात से लाभ भी होगा। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश निवासियों की बात है उनके आँखों के लिए सुंदर फूल, खाने के लिए उत्तम सब्जियाँ, ये अपने आप में समाधान देने वाली चीज़ होती है।